नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे एग्री स्टेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा एक हत्थे वाले हल पर है। क्वेश्चन कैटेट में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से एक हत्थे वाला हल है या निम्न में से दो हत्थे वाला हल है। तो चलिए हम ट्रिक के माध्यम से एक हत्थे वाले हल को जान लेते हैं और अगर हम एक हत्थे वाले हल को जान लेंगे तो हमें दो हत्थे वाले हल अपने आप पता चल जाएंगे। चलिए हम जानते हैं कि एक हत्थे वाले हल का ट्रिक क्या है। हमारा एक हत्थे वाले हल का ट्रिक है सबका प्रेम एक है। क्या है? सबका प्रेम एक है। चलिए इसका मतलब जानते हैं कि ट्रिक में सबका प्रेम एक है का मतलब क्या निकलता है। यहाँ पर सा का मतलब निकलता है शाबाश हल से। सा का मतलब निकलता है शाबाश हल से, शाबाश हल से। बा का मतलब निकलता है वाह वाह हल से। वाह का मतलब निकलता है वाह वाह हल से। और का मतलब निकलता है केयर हल से। का मतलब निकलता है केयर हल से। यहाँ पर परा का मतलब निकलता है परजा हल और माँ का मतलब निकलता है मेस्टन हल। माँ का मतलब निकलता है मेस्टन हल, मेस्टन हल। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एक का मतलब क्या निकलेगा। तो यहाँ पर एक का मतलब निकलता है एक हत्थे वाले हल। एक का मतलब निकलता है एक हत्थे वाले हल। चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं हम। सबका प्रेम एक है एक हत्थे वाले हल का ट्रिक है। एक हत्थे वाले हल का ट्रिक है, एक हत्थे वाले हल का ट्रिक है। अब एक हत्थे वाले हल कौन कौन से हैं? शाबाश हल, वाह वाह हल, केयर हल, प्रजा हल और मिष्टन हल। इसके बाद जो भी हल आपके पास आप जानते हो वो दो हत्थे वाले हल हो गए। जैसे टर्नरेस्ट हल, पंजाब हल, यूपी नंबर एक हल, यूपी नंबर दो हल, ये सब दो हत्थे वाले हल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए पर डे नए नए वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बता दिया है, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बता दिया है और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के बारे में बता दिया है। तथा हमारे कुछ जो हमारी टीम है वीडियो बनाने वाली, उन्होंने आप लोगों को एग्रीकल्चर, सामान्य एग्रीकल्चर के बारे में बता दिया है। तो सारे वीडियो आप देखिए और सिलेक्शन लीजिए। हमारी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।